iPhone 15 Plus वर्सेस iPhone 14 Pro, यार ये एक ऐसा कंपैरिजन है तो ज्यादा लोगों को मैंने वीडियो में बनाते हुए तो नहीं देखा, बट लोगों के दिमाग में तो बहुत देखा है, क्योंकि यार लोग सर्च कर रहे हैं इस चीज को, ऐसा मेरे को लगता है। अगर आप भी कर रहे थे तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे आते रहते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से 50,000 करा दो, मैं बहुत बहुत शुक्रिया हो जाऊंगा आपके लिए। और बिग बिलियन में जो भी डिस्काउंट डील्स आएंगी ना वो सब मैं डालता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को देखना ढूंढना ना पड़े, मैं आपके लिए ढूंढ के सारी अपडेट्स देता रहूंगा। लास्ट ईयर भी बहुत लोगों ने खरीदे थे यार आईफोन जब मैंने अच्छी अच्छी अपडेट्स दी थी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिलेस। तो यार सबसे पहली चीज, आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हो गई है और 15 सीरीज एक काफ़ी अच्छी सीरीज लग रही है यार मुझे, क्योंकि इस साल 14 जैसे पिछले साल आया था 13 से 14 में अपग्रेड एकदम ना के बराबर था, बट 14 से 15 में अपग्रेड काफ़ी अच्छा है, मतलब नॉन प्रो सीरीज का अपग्रेड काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं यार 15 के लिए, 15 प्लस के लिए। बट अगेन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ड्रास्टिक चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे 14 प्रो से, क्योंकि ऑब्वियसली यार मेन बात ये थी कि यार 14 प्रो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन था और 14 प्रो को अपडेट करना तो एक इंक्रीमेंटल अपडेट ही होगा, एक ड्रास्टिक अपडेट तो नहीं होगा। 14 के केस में वो ड्रास्टिक अपडेट 15 में मिला है, बट 14 प्रो के केस में 15 प्रो में नहीं मिला है। पहले कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं 15 प्लस की और 14 प्रो की, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो देखो यार 14 प्रो के अंदर आपको मिलेगी डायनामिक आइलैंड और 15 प्लस में मिलती है आपको डायनामिक आइलैंड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको दोनों ही फ़ोन के अंदर प्रोसेसर सेम मिलेगा, जो प्रोसेसर आता है वो है A16 बायोनिक चिपसेट, तो वो दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है और बिना किसी शिकायत के एकदम बढ़िया चल रहे हैं। इसके अलावा कैमरा आपके 15 सीरीज़ को मिला है फ्रॉम 14 प्रो, तो कैमरा भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाता है 15 प्लस का और 14 प्रो का। तो यार ये तीन चीज़ें, एक ऐसी तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी मेन होती है लोगों के लिए, और ये तीनों आइडेंटिकल होने की वजह से कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एकदम सेम है वो है इसका प्राइस। तो यार 90,000 के आसपास 15 प्लस इंडिया में लॉन्च हुआ है, तो लगभग आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट्स एंड ऑल के बाद 84 के आसपास अगर मिलता है तो बिग बिलियन डे सेल के अंदर आपको 14 प्रो मिल जाएगा एज लो एज 84-85। तो एग्जैक्टली सेम प्राइस है जिस वजह से कन्फ्यूजन अराइज हो रही है, और इस प्राइस को अचीव अगर आपको करना है तो आपके पास होना चाहिए फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अप्लाई कर लो। 1,000 रुपए के आसपास का आपको कूपन देखने को मिल जाएगा मल्टीपल एप्स के थ्रू, और आपका डेफिनेटली 5,000 से 7,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपका नॉर्मल अगर आप डिस्काउंट मिल रहा है 2,000, तो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड कैशबैक है। 90,000 पे अगर आप 5% लगाओ तो लगभग 4,500 तो बैठ ही जाता है। तो यार ये और क्लब डिस्काउंट भी हो जाते हैं, तो यार इसी वजह से 14 प्रो और 15 प्लस में कन्फ्यूजन बहुत है। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है इस साल की जो 15 प्लस सीरीज है वो टाइप सी के साथ आती है। तो यार देखो समझना ज़रूरी है कि अगर आपका टाइप सी का यूटिलिटी क्या है, जैसे अगर मान लो लेट्स से आप डेटा ट्रांसफर बहुत ज़्यादा हैवीली कर रहे हैं, या फिर अगर आपको एक्सटर्नल डिवाइसेज लगाने हैं तो टाइप सी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि लाइटनिंग से काम नहीं चल रहा। जैसे मेरा माइक है मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा लाइटनिंग पोर्ट ही है 13 प्रो के अंदर, बट मैं बहुत आसानी से कनेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ा मुझे ऑप्शंस, उसके लिए कनेक्टर लिया 1,300 रुपये का, और उसके अलावा एक पावर बैंक जो कि मेरे पास पड़ा ही था, तो वो दोनों चीज़ें लगाने के बाद मैं इजीली यहाँ पे माइक कनेक्ट करके आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो यार ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है लाइटनिंग के अंदर, बट हाँ टाइप सी गिव्स यू एन ईज, क्योंकि टाइप सी के अंदर पावर ना ऑटोमेटिकली बाहर भी फेंक सकता है एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए, जैसे दीज माइक नीड एन एक्सटर्नल पावर। तो यार अगर वो फ़ोन नहीं दे पाएगा तो आपको साइड में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, तो ये मेन सीन हो जाता है। तो यार टाइप सी अगर आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, बट मैं आपको बोलूँगा कि लाइटनिंग से आपके मोस्ट ऑफ द सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि टाइप सी उसके अंदर ऑलरेडी USB 2.0 आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट वैसे भी नहीं है, तो ऐसा कुछ ड्रास्टिकली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर जाएगा। वो बस एक चार्जिंग पोर्ट है जो मोस्टली चार्जिंग के या थोड़ा बहुत आपको डेटा ट्रांसफर के काम आ सकता है, तो ये चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 14 प्रो के अंदर आपको देखने को मिलेगा 120Hz प्रोमोशन। यार प्रोमोशन की ना बात ही अलग है, अगर अभी तक आपने प्रोमोशन का कोई फ़ोन यूज़ नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप किसी अपने दोस्त से पता करें या फिर कहीं जाके यूज़ करके देखें, तो आपको दिखेगा कि यार प्रोमोशन की जो फील है ना, और पता है प्रोमोशन ना लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। जैसे मैं 13 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, तो करंटली तो 13 प्रो से 15 प्रो अपग्रेड करना इज़ नॉट
नॉट अ वेरी सुपर्ब डिसीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो मेरे को लगा कि यार मेरी स्टोरेज का भी इशू चल रहा था क्योंकि मुझे स्टोरेज ज़्यादा चाहिए थी, तो इसीलिए मैं अपडेट कर रहा हूँ। वैसे तो यार प्रोमोशन से प्रोमोशन है और बहुत ही अच्छा प्रोमोशन होता है यार। मतलब मैं अब नॉर्मल वाली सीरीज का कोई भी फ़ोन यूज़ करता हूँ तो मुझे उतना पसंद नहीं आता है, तो आपको समझना है यार। देखो मेन चीज़ प्रोमोशन ही है और प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अब मेन आ जाती है बात स्क्रीन की यार। 15 प्लस की स्क्रीन आती है 6.7 इंच और 14 प्रो की आती है 6.1 इंच यार। और 6.1 इंच होना और 6.7 इंच होना एक पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर आपको ठीक लगता है 6.1 इंच तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं, तो 14 प्रो मैक्स ले सकते हैं और 10,000 महंगे में 14 प्रो मैक्स आपको मिल जाएगा बिग बिलियन डेज में 95,000 के आसपास। तो वो भी एक बेहतर डील है अगर आपको सिर्फ साइज़ की वजह से एक्स्ट्रा आप 415 प्लस ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगा 10,000 और स्पेंड कर दीजिए अगर इतने कर ही रहे हैं तो, क्योंकि प्रो सीरीज़ तो प्रो सीरीज़ ही रहेगी और उसका फील और फन अलग ही रहता है यार, चाहे जो भी बोलो, चाहे जैसे भी आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया फ़ोन ले लो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आप 14 प्रो खरीद लीजिए, 14 प्रो मैक्स खरीद लीजिए, क्योंकि वो एक आपको बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देखने को मिलने वाला है इन बिग बिलियन डे सेल एट अ वेरी सुपर प्राइस जो कि 85,000 के आसपास हो सकता है विद फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड। चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जैसी सेल पास आएगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि कितने का फ़ोन आ रहा है, क्या प्राइसिंग है, वो सब चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे 15 सीरीज भी सस्ते में ले सकते हैं उसकी भी वीडियो आगे बनाएंगे, तो और भी ज़्यादा अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहेगी। मेनली यार यही था आज की वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।